दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी के सभी 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि 1349 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं सुबह से मैदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली है। हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजर बीजेपी और आप पर है। भाजपा यहां अपनी चाक बचाने में लगी है तो वहीं आम आदमी पार्टी निगम में अपनी जगह बनाना चाहती है क्योंकि पिछले 15 सालों से निगम की सत्ता भाजपा के हाथ में है। इधर कांग्रेस पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है।